आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मिश्री कोतवाली इलाके क्षेत्र के अटारी गांव में जमकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और कई लोग हुए हैं घायल। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या था मामला जिसके चलते लाठी और डंडे चले हैं, हमारे संवाददाता आलोक वर्मा मिश्री से मौजूद हैं। बताएं क्या भरा पूरा मामला। आपको बता दें सर, कोतवाली क्षेत्र मिश्री के अटारी ग्राम में एक रास्ते को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया है लाठी डंडे और लात घूसों से, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 जिला अस्पताल रेफर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र मिश्री के अटारी गांव निवासी राम सेवक उम्र 60 वर्ष पुत्र मोगे ने कोतवाली में तस्वीर देते हुए बताया है कि विपक्षी उसी गांव के निवासी आसाराम पुत्र शिवपाल, सरवन पुत्र प्रहलाद, जयराम पुत्र राम प्रसाद, बाबू राम पुत्र जनार्दन मेरे दरवाजे पर एक राय होकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर इन्होंने लाठी डंडे और लात घूसों से हमको मारने लगे। जब हम लोग चिल्लाए तब घर में घुसकर हमारे राम प्रकाश, राजकुमारी और राव केस और राज बहादुर, राज बेटी को लाठी डंडों से मारा पीटा, जिससे प्राची के सिर पैर हाथ में काफी चोटें आई हैं। तहरीर कोतवाली पुलिस में दे दी गई है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। कितने लोग जो हैं अभी, क्या जो मामला है कि पूरे लोग कितने लोग घायल हैं, जैसे कि आपने बताया विवाद जो हुआ था वो रास्ते को लेकर हुआ था, क्या क्या पुलिस मौके पर पहुंची है? जी आपको बता दें कि एक माह पूर्व 19 जुलाई को जो विपक्षी गण थे उन्होंने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मिश्रित को दिया था, जिसमें उन्होंने जो विपक्षी घायल हैं उन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने अवैध कब्जा किया है, जहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपजिलाधिकारी मिश्रिक ने एसएसओ मिश्रिक को आदेश भी दे दिया था, जिसमें इन्हीं विपक्षी गण जो थे उन पर 107-16 की कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि इस कारण ये लोग जो घायल हुए हैं वो लोग शांत थे। और आज जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भी जो फिर से ये जो विपक्षी थे वो कोई भी निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसमें लेखपाल और कानून को दोबारा जांच करने के लिए पहुंच रहे थे कि तभी कहीं से उनको भनक मिल गई और उन्होंने विपक्षी गण जो ये घायल हुए हैं जो व्यक्ति, वो विपक्षी गणों ने राम सेवक आदि पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल हो गए। जब लेखपाल वहां पर पहुंच ही रहे थे तब तक उनको मालूम हुआ कि वहां पे झगड़ा हो गया, तो उन्होंने 112 नंबर को फोन किया और 112 नंबर पुलिस जो है वहां पर जब पहुंची तो ये लोग वहां पर घायल हो चुके थे। मतलब लेखपाल के द्वारा जो फोन किया गया था तब पुलिस वहां पहुंची थी? हाँ, 112 नंबर किसके द्वारा? जो लेखपाल और कानून को वहां पर पहुंच रहे थे, उन्होंने जब देखा कि वहां पे लाठी डंडे चल रहे हैं तो उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर फोन कर दिया। जो विपक्षी गण है क्या वो कहां पर है इस समय, क्या फरार चल रहे हैं? या विपक्षी गण तो अभी तक कोतवाली मिश्रिक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो घायल हुए हैं उनका इलाज जो है मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में किया जा रहा है, जिसमें से राम सेवक और राम प्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आलोक जी? पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच करना शुरू कर दिया है और वो पूछताछ जारी कर दी है। पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें जो है जांच चल रही है। मैं रास्ते को लेकर विवाद हुआ था जी, रास्ते में एक रास्ता पड़ता है गांव में इनके घर के पास ही में, उसमें वो जो विपक्षी थे वो पहले थोड़ा कब्जा कर चुके थे, तो इन लोगों ने आपत्ति की थी और उसी में फिर जब उपजिलाधिकारी ने कहा प्रशासन से कि इसको जो है गलत है, आप लोग सहमत हो कि इसको हटा लें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए विपक्षी गण। और आज जब फिर दोबारा टीम जानी थी तो उससे पहले ही उन लोगों ने वहां पर इन लोगों पर हमला कर दिया। जी बिल्कुल, मिश्री के अटारी गांव में रास्ते को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में जो है भर्ती कराया गया, वहीं 2 की हालत गंभीर है। पुलिस जो है तहरीर के अनुसार जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।